Hello everyone, welcome back to my channel. In this video we will talk about class 9th Kritika chapter 3 Read ki haddi ke prashn uttar. First question, Ram Swarup aur Ram Gopal Prasad baat baat par ek hamara zamana tha kehkar apne samay ki tulna vartman samay se karte hain. Is prakar ki tulna kahan tak takr sangat hai. So, इस तरह की तुलना करना बिल्कुल तक संगत नहीं होता है क्योंकि समय के साथ समाज में जलवायु में खान पान में सब में परिवर्तन होता है. हर समय परिस्थितियाँ एक सी नहीं होती है. हर जमाने की अपनी स्थितियाँ होती हैं. प्रश्न दो, रामस्वरूप की अपनी बेटी के को उच्च शिक्षा दिलवाने और विवाह के लिए छिपाने यह विरोधाभास उनकी किस व्यवस्था को उजागर करता है. सो आधुनिक समय में सभ्य नागरिक होने के बावजूद उन्हें अपनी बेटी के भविष्य की खातिर रूढ़िवादी लोगों के दबाव में झुकना पड़ रहा था. उपयुक्त बात उनकी इसी व्यवस्था को उजागर करती है. प्रश्न तीन, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की उपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है. रामस्वरूप ने अपनी बेटी को खूब पढ़ाया लिखाया, उसे समाज में सिर उठाकर जीना सिखाया, लेकिन शादी के समय वे चाहते थे कि उनकी बेटी लड़के वालों के सामने कुछ ना बोले, उन्हें कुछ ना बताए. वास्तव में रामस्वरूप का उमा के प्रति यह व्यवहार उचित नहीं है क्योंकि ऐसा करके वे स्वयं अपनी बेटी को समाज को कमज़ोर ना करने का अवसर दे रहे हैं. प्रश्न चार, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं. क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं. अपने विचार लिखिए. सो गोपाल प्रसाद अपने बेटे का विवाह करने आए हैं लेकिन वे इसे बिजनेस का नाम देते हैं. अर्थात यहाँ वे संबंधों मानवीयता को एक तरफ रख देते हैं. दूसरी ओर रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाकर स्वार्थी लालची और समाज को तकरित करने वाली बुराइयों को बढ़ावा देते हैं. अतः दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं. प्रश्न पाँच डैश, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है यह नहीं डैश. उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों को संकेत करना चाहती है. रीढ़ की हड्डी ही शरीर का अंग वह अंग है जो सबसे मजबूत होता है. वास्तव में पूरा हड्डी का ढांचा इसी पर टिका होता है. यहाँ भी जब गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर उमा को अस्वीकार करके जाते हैं तब उमा गोपाल प्रसाद से कहती है कि अपने लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी को आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं. उमा यह कहकर बताना चाहती है कि शंकर में व्यक्तित्व की कमी है. वह कमजोर है, कायर है, स्वार्थी है और कठपुतली है. प्रश्न छः, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है. तो शंकर के व्यक्तित्व को समझने के बाद कहा जा सकता है कि उसे एक लड़की होना चाहिए जो अनपढ़ हो, गवार हो, लेकिन खूबसूरत हो, जो उसकी दासी बनकर रहे, जो अपनी हाँ में हाँ मिलाए. वह उमा को एक ऐसा लड़का और वहीं उमा को एक ऐसा लड़का चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, सभ्य हो, समझदार हो, सबल हो, व्यक्तित्व वाला हो, जो स्त्री का पूरा सम्मान दे, जो उसे पाँव की जूती या दासी ना समझकर उसे जीवन स्वामिनी माने. प्रश्न सात, रीढ़ की हड्डी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए. तो पाठ का नाम रीढ़ की हड्डी पूर्णतः सार्थक एवं सटीक है क्योंकि रीढ़ की हड्डी शरीर का अभिन्न और अनिवार्य हिस्सा होता है. यदि रीढ़ की हड्डी ना हो तो व्यक्ति कमजोर कहलाता है. पाठ में भी शंकर एक कमजोर व्यक्ति है जो स्वयं निर्णय लेने में कमजोर है. वह अपने बल पर कुछ करने की क्षमता नहीं रखता है. प्रश्न आठ, कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं. कथा वस्तु के आधार पर
हम कह सकते हैं कि शंकर को ही एकांकिका मुख्य पात्र मानते हैं, क्योंकि उसके कमजोर व्यक्तित्व के आधार पर एकांकिका नामकरण किया गया है। समाज में व्याप्त शंकर जैसे बिना रीढ़ की हड्डी वाले वालों की ही को ही उजागर करने लेखक करना के लिए लेखक का उद्देश्य है। ऐसे लोगों को ही सबक सिखाने के लिए लेखक ने इस समस्या के को रूप प्रदान किया है। प्रश्न 9, एकांकी को के आधार पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। एकांकी के आधार पर कहा जा सकता है कि रामस्वरूप स्वाभिमानी होते हुए भी एक बेटी के बाप होने के कारण समाज और व्यवस्थाओं के दकियानुसी विचारों को स्वीकारने वाले कायर है, जिससे वे बेटी की शिक्षित होने का गर्व महसूस ना करके ग्लानी का अनुभव करते हैं। वहीं गोपाल प्रसाद लालची स्वार्थी अवसरवादी व्यवहारवादी हैं, जो पैसे के बल पर संबंध खरीदने की बात करते हैं। प्रश्न 10, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास करेंगे। वर्तमान समय में चाहे कितना ही शिक्षित हो जाए, लेकिन स्त्रियों के मामले में उनके विचार अभी भी पिछड़े हुए हैं। सो यहाँ पर मेरे क्लास 9th चैप्टर 3 रीढ़ की हड्डी के प्रश्न के उत्तर कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।